टैक्सील डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल पर मैं सी ए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। सरकार ने सर्कुलर नंबर 49/23/2018 जीएसटी इशू किया है ऑन 21 जून 2018, जिसमें कि सरकार ने सर्कुलर नंबर 41/15/2018 जीएसटी को मॉडिफाई किया है। सर्कुलर नंबर 41/15 यह कहता था कि यदि किसी गुड्स को या कन्वीनियंस को रोका जाता है तो उस केस में उसकी इंस्पेक्शन किस प्रकार की जाएगी, डिटेंशन, रिलीज और कॉन्फिस्केशन उस गुड्स और कन्वीनियंस का किस प्रकार किया जाएगा। जो सर्कुलर नंबर 41/15/2018 दिया गया था वहाँ पे पैरा 2E में सरकार ने अमेंडमेंट की है, यानी कि वहाँ पे 3 वर्किंग डेज को अब रिप्लेस करके 3 डेज कर दिया गया। यह है सर्कुलर नंबर 41/15/2018। यहाँ पे पैरा 2 दिया गया था, यह है पैरा नंबर 2 और यहाँ पे क्लोजी दिए गए थे ए बी सी डी एंड ई। यहाँ पे जो ई क्लोज दिया गया था वह यह कहता था कि जीएसटी ऑफिसर को जीएसटी एमओवी 02 फॉर्म में ऑर्डर इशू होने के 3 वर्किंग डेज के अंदर इंस्पेक्शन प्रोसीडिंग को कंक्लूड करना था, यानी कि 3 वर्किंग डेज के अंदर जीएसटी ऑफिसर को अपनी इंस्पेक्शन प्रोसीडिंग को ख़त्म करना था। लेकिन अब सरकार ने इस 3 वर्किंग डेज की बजाय 3 डेज कर दिया है। अब जीएसटी ऑफिसर को 3 डेज के अंदर जो इंस्पेक्शन प्रोसीडिंग है वह कंक्लूड करनी होगी। इसी प्रकार ही सरकार ने जीएसटी एमओवी 05 का जो फॉर्म है उसमें भी अमेंडमेंट की है। चलिए इस फॉर्म को देख लेते हैं। यह है जीएसटी एमओवी 05, यानी कि जब गुड्स या कन्वीनियंस को रिलीज़ किया जाता है तो जीएसटी ऑफिसर को रिलीज ऑर्डर पास करना होता है। यहाँ पे पैराग्राफ 3 दिया गया है जिसके नीचे के एक सब पैराग्राफ दिया गया है कि गुड्स और कन्वीनियंस को अच्छी कंडीशन में जो है वो रिलीज़ किया गया है, यानी कि इन गुड कंडीशन। लेकिन अब सरकार ने इस वर्डिंग को जो है वो मॉडिफाई कर दिया है। अब सरकार ने जीएसटी एमओवी 05 के जो पैराग्राफ 3 है उसके नीचे जो वर्डिंग डाल दी है वे आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे जो गुड कंडीशन की वर्डिंग है उसे हटा दिया गया है, यानी कि अब गुड्स एंड कन्वीनियंस को अच्छी हालात में रिलीज़ करना जीएसटी ऑफिसर के लिए ज़रूरी नहीं है। इसी ने यह भी कहा है कि रूल 138C क्लोज 2 CGST रूल 2017 का यह कहता था कि यदि किसी गुड्स या कन्वीनियंस की एक स्टेट के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन हो गई है तो उस गुड्स या फिर कन्वीनियंस की दूसरी स्टेट के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं की जाएगी जब तक कि टैक्स की चोरी से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन सरकार के पास अवेलेबल नहीं हो जाती है। लेकिन अभी तक यह फॉर्म जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर अवेलेबल नहीं हुए हैं, इसलिए स्टेट टैक्स ऑफिसर ने जो एक्शन लिए हैं वह सेंट्रल टैक्स ऑफिसर को नहीं पता लग पा रहे हैं। इसी प्रकार ही सेंट्रल टैक्स ऑफिसर ने जो एक्शन लिया है वह स्टेट टैक्स ऑफिसर को नहीं पता लग पा रहा है। इस केस में CBIC ने क्लैरिफाई किया है कि यदि आपकी गुड्स या कन्वीनियंस को इंस्पेक्ट किया जाता है तो उस केस में ट्रांसपोर्टर या फिर रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिस और ऑर्डर की हार्ड कॉपी दूसरी टैक्स अथॉरिटी को दिखानी होगी। यहाँ CBIC ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि उन गुड्स और कन्वीनियंस को ही जीएसटी एक्ट के अंतर्गत डिटेन किया जा सकता है या फिर कॉन्फिस्केट किया जा सकता है जिनके रिगार्डिंग के जीएसटी एक्ट के अंतर्गत किसी प्रोविजन को वायलेट किया जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू CBIC ने समझाया है। मान लीजिए किसी व्हीकल के अंदर 25 कंसाइनमेंट जा रही है लेकिन सिर्फ 5 कंसाइनमेंट के लिए ही ईवे बिल या रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में सिर्फ 5 कंसाइनमेंट को ही डिटेन किया जा सकता है या कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, यानी कि सभी 25 कंसाइनमेंट को डिटेन या कॉन्फिस्केट नहीं किया जा सकता है या फिर कन्वीनियंस को डिटेन किया जा सकता है। इस सर्कुलर का लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। GST
और टैक्स पर स्पेशल जानकारी और टिप्स लेने के लिए आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, यानी कि patreon.com/csatbirsingh।